हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद प्रजापत और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टेक्निकल विनोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से एक शानदार गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि सारी आईटीआई की ट्रेड से उनके लिए यहां पे अवेलेबल है। तो हम एक एक करके हम सारी इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, इसमें कौन कौन सी पोजिशन हैं, इसके लिए कौन कौन सी आईटीआई की ट्रेड एलिजिबल हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस रहने वाले हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, इसमें कौन एलिजिबल है, इसमें क्या एज क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ हम वन बाय वन एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो की तरफ से है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद यहाँ रहने वाला है इसका। और बात करें तो ये कब पोस्ट हुई है, तो ये आज ही की डेट 1 अगस्त 2023 को ये पोस्ट हुई है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसी आई हैं। आईटीआई की ट्रेड यहाँ पे टेक्निक सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे फिटर के लिए है। तो फिटर के लिए यहाँ पे टोटल 4 पद हैं, 4 पद में से यहाँ पे 2 पद यहाँ पे जनरल के लिए हैं, दो एक पद यहाँ पे ओबीसी के लिए हैं और 1 पद यहाँ पे एसटी के लिए हैं। तो यहाँ पे कौन एलिजिबल है, यहाँ पे जिसने भी फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, चाहे उसके पास एनटीसी सर्टिफिकेट है, एनएससी सर्टिफिकेट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। साथ में 10th पास होना चाहिए। तो यहाँ पे फिटर के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट के लिए। यहाँ पे जिसने भी मशीनिस्ट से आईटीआई कर रखी है, जो भी पास आउट है मशीनिस्ट ट्रेड से विथ 10th, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसकी पोस्ट कितनी है, तो टोटल 1 पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसीज आई हैं, टोटल पोस्ट है वो है 15 पोस्ट है। ये आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड है उसके लिए है। यहाँ पे बात करें कि किन किन के लिए ये है, तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन एलिजिबल है, तो जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आईटीआई कर रखी है विथ 10th, वो इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे अगली पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है टेक्नीशियन बी के अंदर। तो इसके लिए टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 5 पोस्ट है, यहाँ पे 2 पोस्ट जनरल के लिए है और 2 पोस्ट यहाँ पे ओबीसी के लिए है, 1 पोस्ट यहाँ पे एसटी के लिए है। अब यहाँ पे कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे यह ध्यान देना कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से पास आउट है वो विथ टेंथ जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड के साथ आईटीआई पास आउट है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है एक और वैकेंसी है आईसीटीएसएम और आईटीएनईएसएम। तो यहाँ पे ये एक अलग ट्रेड है और एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग ट्रेड है। तो यहाँ पे आईटीएनईएसएम और आईसीटीएसएम के लिए भी यहाँ पे 5 पोस्ट हैं, और यहाँ पे बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पे ओबीसी की है, 2 पोस्ट यहाँ पे जनरल की है, यहाँ पे 2 पोस्ट जनरल की है, 1 पोस्ट ओबीसी की है और 1 पोस्ट एसटी की है और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। टोटल यहाँ पे भी 5 पोस्ट हैं। और यहाँ पे कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे जिसने भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, वो इस ट्रेड के लिए, इस वैकेंसी के लिए और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ध्यान देना यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग ट्रेड है और आईसीटीएसएम और आईटीएनईएसएम ये अलग ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन वर्ड, यहाँ पे इनका सिलेबस भी डिफरेंट है, पोस्ट भी डिफरेंट है। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिशियन, जो कि सब जानते हैं ट्रेड के बारे में। यहाँ पे इसकी एक वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए है। यहाँ पे कौन एलिजिबल है, जिसने भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखी विथ 10th पास आउट है, वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन ड्राफ्ट्समैन भी, यहाँ पे मैकेनिकल से जिसने कर रखी है वो, इसके लिए भी टोटल 1 पोस्ट है, और जिसने भी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के अंदर कर रखा है विद 10th पास आउट है, वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर बात करते हैं टेक्नीशियन बी के अंदर केमिकल, जिसने भी यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट जो कि केमिकल प्लांट के अंदर आईटीआई कर रखी है, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसकी टोटल 1 पोस्ट है जो कि जनरल के अंदर है। फिर बात करते हैं टेक्नीशियन बी के लिए, तो यहाँ टेक्नीशियन बी जो टर्नर की तरफ से है, जिसने भी टर्नर के अंदर आईटीआई कर रखी है विथ 10th, उसके लिए वैकेंसी है और टोटल 1 पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर
कंडीशनिंग की यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें एक पोस्ट है, और जिसने भी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से ट्रेड से पास आउट है विद 10th, वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये तो था जितने भी पोस्ट कोड थे, टोटल नंबर ऑफ 10 पोस्ट हैं और इनमें अलग अलग सीट्स हैं और अलग अलग एलिजिबल क्राइटेरिया हैं। तो जो भी जिस भी ट्रेड से, इसमें दी गई 10 ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। 21 अगस्त को यहाँ पे 18 से 35 वर्ष के बीच में यहाँ रहने वाला है, और यहाँ पे फिर और भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो रिजर्वेशन है उस अनुसार यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अपन आ जाते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे एग्जाम होंगे। फर्स्ट होगा रिटन एग्जाम और सेकंड होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 90 मिनट्स के अंदर रहेगा, और क्वेश्चन जो कि स्किल टेस्ट रहेगा ये इसके बाद रहेगा। जो भी लिखे स्किल टेस्ट में 1 बाई मतलब एक पोस्ट पे 5 लड़कों को लेंगे कम से कम, और स्किल टेस्ट उसके आधारित होगा। स्किल टेस्ट आपको सिर्फ पास करना यहाँ पे जरूरी होता है, बाकी जो मेरिट होगी वो आपके रिटन टेस्ट के ऊपर ही आधारित रहेगी। फिर यहाँ पे देखिए, जो आपका एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो जो जनरल के लिए हैं वो 80 में से 32 लिखित यानी रिटन टेस्ट के लिए हैं, और जो स्किल टेस्ट है उसमें 100 में से 50 अंक लाने होंगे आपको। फिर जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 80 में से 24 मिनिमम रिटन के अंदर और 100 में से 40 स्किल टेस्ट के अंदर लाने होंगे। फिर अब अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो ये फॉर्म के कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि आप पढ़ लेना, ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन जो पंजीकरण स्टार्ट है यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो है 1 अगस्त से 10 बजे से, और अभी और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 21 अगस्त से रहेगा। 21 अगस्त तक यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये कुछ नंबर्स हैं जिनके ऊपर अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ फीस यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन फीस रहेगा वो क्या रहेगा फॉर्म भरते समय आपका। तो यहाँ पे जो सभी अभ्यर्थी के यहाँ पे 500 रुपये लागू, मतलब 500 रुपये आपको फॉर्म के साथ देना होगा, और मतलब आपकी फॉर्म फीस 500 रुपये रहने वाली है, जिसमें से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे फिर इन्होंने लिखा है, सभी महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक और दिव्यांग अभ्यर्थी शुल्क मुक्त श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो भी SC ST हैं, वुमन्स हैं और दिव्यांग हैं, उनका कोई भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस नहीं रहने वाली है। उनके जो आवेदन फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पे भरे जाएंगे। तो ये जो वैकेंसी थी इसरो की तरफ से थी, इसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे आपको कब स्टार्टिंग फॉर्म है, कब एंडिंग फॉर्म है, क्या इसके चार्जेस रहने वाले फॉर्म के, और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी ट्रेडे हैं, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।